सुपेला थाना पुलिस ने वार्ड 10 लक्ष्मी नगर के पार्षद चंद्रशेखर गवई को मोबाइल पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी सुपेला के बताए गए हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुपेला थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वार्ड 10 लक्ष्मी नगर के पार्षद चंद्रशेखर गवई के साथ फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों दिलीप चौहान और सोनू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अननोन मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल करते हुए शराब के नशे में घटना को अंजाम देना स्वीकारा है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। 10 के पार्षद हैं श्री चंद्र प्रकाश गवई जी, इनको दिनांक 18/9/2022 की देर रात पे किसी अज्ञात व्यक्ति का इनके मोबाइल पर कॉल आया था और कॉल करके वो उलझल बात कर रहा था, गाली गलौज धमकी वगैरह दे रहा था, जिसके कारण पार्षद जी के द्वारा दूसरे दिन आकर दिनांक 19/9 को थाना में सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर धारा 506-507 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे लगातार आरोपियों का पता तलाश जारी था। पता तलाश के दौरान आज दिनांक को एक आरोपी दिलीप चौहान और दूसरा सोनू पटेल, ये दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल है और जो सिम है उसको भी जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को मानने लाल प्रस्तुत किया जा रहा है। बहरहाल मामले में तत्परता से कार्रवाई कर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, आरक्षक विकास तिवारी की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।